Hello everyone, in the series of Indian Penal Code 1860, today we are going to discuss section 86. आज हम 86 section जो है Indian Penal Code भारतीय दंड संहिता के बारे में discuss करेंगे. Section 86 बात करता है offence requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. कि कोई भी ऐसा offence जिसमें particular intent या फिर knowledge की जरूरत होती है जो एक offender करता है और जब वो इंटॉक्सिकेटेड होता है, मतलब जब उसने शराब पी रखी होती है और तब उस ऑफेंस के लिए कोई पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज की जरूरत हो. सेक्शन 85 में तो बात करी है कि अगर आप इन्वॉलेंट्री ड्रिंक कर लेते हो और फिर कोई ऑफेंस हो जाता है और अप्रूव हो जाता है कि आपने जो ड्रिंक हुई थी वो इन्वॉलेंट्री था, आपने वॉलेंट्री ड्रिंक नहीं करा था, तो आपको डिफेंस मिल जाएगा. यहाँ पे बात करी है उन ऑफेंसेस के बारे में जहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज भी प्रूव करनी पड़ेगी. आपको ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा कि आप नशे की हालत में थे, लेकिन ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उस ऑफेंस के लिए जो आप ऑफेंस के लिए डिफेंस ले रहे हो उसमें मेरे को पता नहीं था, उसका मेरा इंटेंट नहीं था, मेरी नॉलेज नहीं थी. इंटेंट का मतलब होता है मेरी नीयत नहीं थी उसको उस ऑफेंस को करने की, या फिर मेरी नॉलेज मतलब मेरी जानकारी नहीं थी उस ऑफेंस को करने की. तो अब सेक्शन की बात करते हैं. सेक्शन बात करता है इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस. जो एक्ट डन हो रहा है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट. जब मतलब वो ऑफेंस जो हो रहा है वो पर्टिकुलर नॉलेज या फिर पर्टिकुलर इंटेंट, पर्टिकुलर जानकारी या फिर पर्टिकुलर नीयत, मतलब आपको निहित जानकारी होनी चाहिए उसके लिए, या फिर निहित आपके जानकारी नहीं है तो निहित आपका उसमें नीयत होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, वो उस ऑफेंस को करने के लिए. अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड. तो ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए वो पर्सन ने कोई ऑफेंस ऐसा किया है जिसके लिए पर्टिकुलर नॉलेज और पर्टिकुलर इंटेंट चाहिए ही, फिर वो ऑफेंस कर रहा है चाहे वो इंटॉक्सिकेटेड हो, तो ये माना जाएगा कि अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो भी वो उसको इतनी नॉलेज और इतनी उसकी इंटेंशन उस ऑफेंस के लिए होती. तो ये माना जाएगा कि अगर वो उसने ड्रिंक वॉलेंट्री करी है चाहे इनवॉलेंट्री करी है, लेकिन अगर उसको ये नॉलेज होती, अगर वो ड्रिंक नहीं करता तो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो उस एक्ट की या फिर उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए जो इंटेंशन और नॉलेज की जरूरत है, अगर वैसा माना जाएगा कि वैसे उसको नॉलेज है या उसको इंटेंशन है उसकी. अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल. जब तक कि जो चीज उसको इंटॉक्सिकेटेड हुई है वो उसकी विल के अगेंस्ट, मतलब अनवॉलेंट्री बात कर रहा है ये, कि अगर अनवॉलेंट्री उसको इंटॉक्सिकेशन हुआ है. लेकिन अगर मान लीजिए उसको वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन भी हो जाए और वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में भी उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो जिसके लिए पर्टिकुलर नॉलेज और पर्टिकुलर इंटेंट की जरूरत होती है, तो ऐसा ही माना जाएगा कि जैसे कि उसने बिना इंटॉक्सिकेशन करे वो ऑफेंस किया है और उसके लिए वो पनिश होगा. तो यहाँ पे जो सेक्शन बात कर रहा है ये 85 से ऐसे डिफरेंट है, क्योंकि 85 में तो इन्वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन को बिल्कुल बांट गया है कि इन्वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है तो आप छूट जाओगे. लेकिन कुछ ऑफेंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर इंटेंट की जरूरत होगी, तो वहाँ पे अगर आप चाहे इन्वॉलेंट्री हो चाहे वॉलेंट्री हो, लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर नॉलेज और पर्टिकुलर इंटेंट है उस एक्ट का, तो फिर आप लाइबल होगे. यहाँ पे आपको इंटॉक्सिकेशन के साथ साथ ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उस जो एक्ट करा है उसको करने की आपकी नॉलेज नहीं थी और ना ही आपकी इंटेंशन थी, ना तो उस एक्ट करने की आपके पास जानकारी थी कि कैसा होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, और ना आपकी ऐसी नीयत थी ना इंटेंशन थी कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है या फिर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये फायदा होगा, वैसे आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी. दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.